नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। रणवीर सिंह की मूवी रिलीज हुई है जयेश भाई जोरदार, जो कि बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है और इस फिल्म ने अपने ओपनिंग के दिन मात्र 3 करोड़ की ही कमाई की है। यशराज बैनर, जो कि बहुत बड़ा बैनर माना जाता है बॉलीवुड का, उसके तले ये मूवी रिलीज हुई है। इसके बावजूद इस फिल्म ने सिर्फ 3 करोड़ से अपनी ओपनिंग की है। वहीं अगर अभी तक के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 7 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा गया कि दीपिका पादुकोण, जो कि अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करते हुए देखा गया था, यानी कि उन्हें JNU में देखा गया था जहाँ पे देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वहाँ के जो कुछ छात्र हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंधित रखते हैं और हमेशा उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं वो देश विरोधी होती हैं, चाहे फिर वो नारेबाजी को लेकर के हो या फिर आतंकवादियों की बरसी मनाने को लेकर के हो। तो इस जगह पे बॉलीवुड की एक्ट्रेस दिखाई देती हैं दीपिका पादुकोण और उसी के साथ ही उनके जो हस्बैंड हैं रणवीर सिंह, उसको किस तरीके से जनता ने बायकॉट किया, उनकी मूवी को बायकॉट किया, ये साफ साफ नजर आता है। और अब अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड की कई फिल्में इस वक्त जो रिलीज हो रही है लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती हुई नजर आ रही है। हाल ही में जिस तरीके से फिल्म रिलीज हुई, बच्चन पांडे की बात कर दें, बच्चन पांडे को भी कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहीं अगर हम बात करें हीरोपंती 2 की तो उसे भी दर्शकों ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं अगर हम रुख करें साउथ इंडियन फिल्मों की तो उसका कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए से भी पार का जाता है, चाहे हम बात करें RRR की या फिर KGF Chapter 2 की, जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी और दर्शकों ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया। और इतना ही नहीं, उस फिल्म को हिंदी में भी डब किया जाता है और हिंदी कलेक्शन की बात करें डबिंग हिंदी डब मूवी की तो उसका कलेक्शन भी बॉलीवुड फिल्मों से ज़्यादा होता है। पुष्पा जिस तरीके से साउथ में रिलीज़ हुई थी, साउथ में उसे रिलीज़ किया गया था, लेकिन जब वो हिंदी भाषा में डब करके थिएटर्स में आई तो लोगों ने खासा पसंद किया और उसके जो कलेक्शन है वो 250-300 करोड़ के पार थे। ठीक इसी तरीके से हमें RRR का हिंदी डब कलेक्शन देखने को मिला कि कैसे वो 300 से पार किया और इसी के साथ ही KGF का कलेक्शन भी कुछ ऐसा ही रहा जिसने मूवी ने 200 से 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। लेकिन अगर हम वही बॉलीवुड फिल्मों की बात करते हैं जो कि ऑलरेडी स्क्रिप्टेड किसी की चुराई होती है, रीमेक की गई होती है, अगर एक्टिंग की बात करें तो कुछ एक्टर्स को छोड़ दें तो बाकी जो तमाम एक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म के सहारे आते हैं, स्टार किड्स हैं, उनमें एक्टिंग ज़रा सी भी नहीं देखने को मिलती, लेकिन बस वो नेपोटिज्म और स्टार किड की बदौलत वो आगे का सफ़र तय करते हैं और जहां रियल टैलेंट की बात करें तो बॉलीवुड उन्हें मौका नहीं दे पाता, ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अब ऑडियंस भी फ़र्क पहचानना जानती हैं कि कौन रियल स्टार है और कौन किड्स स्टार है, नेपोटिज्म की देन है, ये चीज़ें जानते हैं। और अब जो लोग हैं वो लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे बॉलीवुड को बायकॉट कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर लोग जो है जो रियल कंटेंट है उसे सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं और बॉलीवुड को बायकॉट करते हुए दिखाई देते हैं। मूवी की स्टोरी उन्हें भी पता है क्योंकि दर्शक जो हैं तमाम चीज़ें देखते हैं, चाहे OTT प्लेटफॉर्म की बात कर ले या फिर वर्ल्ड वाइड सिनेमा की बात कर ले, तमाम चीज़ें देखते हैं और उन्हें भी पता है और कहां से स्क्रिप्ट लाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। अगर बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो ना तो इनके पास ओरिजिनल कोई स्क्रिप्ट होती है और अगर हम गानों की भी बात करें तो गाने भी कई बार रीमेक करके बनाए जाते हैं, इसके बावजूद जो रिजल्ट होता है बॉलीवुड का वो लोगों को पसंद नहीं आता। और शायद इसीलिए जो अब फिल्में रिलीज़ हो रही हैं उनके कलेक्शन की बात करें तो वो सिर्फ 6 करोड़ 10 करोड़ में ही सिमट कर रहे जा रहे हैं। बात अगर जयेश भाई जोरदार की करें तो ये फिल्म 60 करोड़ के बजट में बनी है। बड़े स्टार्स हैं रणवीर सिंह, जो कि खुद एक महंगे स्टार के लिस्ट में शामिल है, इसके बावजूद ये मूवी जो है बस अब तक 7 करोड़ का ही आंकड़ा पार कर चुकी है। अगर वर्ल्ड वाइड स्क्रीन्स की बात करें तो इस फिल्म को 3000 स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया था, इसके बावजूद भी फिल्म ने बस इतना ही कमाई किया। वहीं जिस तरीके से दीपिका पादुकोण को देखा गया कि कैसे वो JNU में जाती है, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक जनता का
मैसेज रहा कि अगर आप जेएनयू को सपोर्ट करेंगी, टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करेंगी, तो लोगों का रिस्पॉन्स भी इसी तरीके से रहेगा और वो आने वाले फिल्मों को बायकॉट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर फिल्में सक्सेस होती हैं, सुपरहिट होती है, तो उसके पीछे ऑडियंस ही होती है जो किसी को स्टार बनाती है, सुपर स्टार बनाती है। आपको बता दें, बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म जयेश भाई जोरदार को 13 मई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। बीते दिनों शाहिद कपूर की जर्सी, टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की हीरोपंती 2 और अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रकुलप्रीत सिंह की एरियल ड्रामा रनवे 34 दर्शकों को प्रभावित करने में काफी ज्यादा नाकामयाब रही। बॉलीवुड से दर्शकों को रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार का सहारा था, मगर फिल्म से दर्शक कतराते हुए नजर आए और थिएटर में पहुंचते हुए भी नजर नहीं आए। कुछ लोग इसे बॉलीवुड की बदकिस्मती बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बॉलीवुड से दर्शकों को मुंह मोड़ना बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि थिएटर्स में एक महीने पहले रिलीज हुई फिल्म KGF चैप्टर 2 ने अपनी कमाई को लेकर झंडे गाड़ दिया है और लगातार ये फिल्म जो है अपनी कमाई कर रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहीं देखा जाए तो तमाम साउथ की फिल्में जो कि हिंदी में डब की गई है, उनका कलेक्शन भी बॉलीवुड फिल्मों से कहीं ज्यादा होता है। जयेश भाई जोरदार से डेब्यू कर रहे लेखक निर्देशक दिव्यांग ठक्कर की फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 3 करोड़ रुपए रहा। ट्रेड एनालिस्ट ने ट्विटर पर पुष्टि की, उन्होंने लिखा, जयेश भाई जोरदार के पहले दिन की कमाई ऑल इंडिया नेट का अनुमान 3 करोड़ रुपए है। फिलहाल अब तक की कमाई की बात करें तो फिल्म ने 7 करोड़ रुपए का ही आंकड़ा पार किया है। वहीं बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए है। आपको बता दें, फिल्म जयेश भाई जोरदार को इसके निर्माता मनीष शर्मा, निर्देशक दिव्यांग ठक्कर और एक्टर रणवीर सिंह ने ट्रेलर रिलीज के दिन एक ऐसी शानदार फिल्म बताया था जो कि दर्शकों को काफी पसंद आएगी। लेकिन जिस तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ये फिल्म जो है बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। आपको बता दें, रणवीर सिंह ने कहा था कि ये पहली फिल्म थी जिसकी स्टोरी सुनने के बाद ही उन्होंने इसे हाँ कह दिया था। यशराज फिल्म्स के बैनर वाली जयेश भाई जोरदार के प्रमोशन में रणवीर सिंह ने खासा पसीना भी बहाया है। कभी टीवी शोज तो कभी विदेश, रणवीर ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा। ऐसे में फिल्म के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं रणवीर सिंह के ऊपर ही जाती है। वहीं अगर बात जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्मों की होती रही है, तो बॉलीवुड जहां चमक धमक की दुनिया दिखाई देती है, उसके पीछे भी बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे ऐसे सच हैं जो सामने आए तो बवाल और भी ज्यादा हो सकता है। देखा गया कि जिस तरीके से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस जब सामने आया था, तो कई ऐसी सच्चाई सामने आई थी जिसने बॉलीवुड का अलग ही चेहरा लोगों को दिखाया कि कैसे जो स्टार्स हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो ड्रग्स का सहारा लेते हैं। इसी के साथ ही दिखाया ये भी गया कि कैसे जो रियल टैलेंट है उसको मौका नहीं दिया जाता, अगर सामने स्टार किड है तो उसी को मौका दिया जाता है, भले ही उनमें टैलेंट हो या ना हो। सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखने को मिला कि कैसे नेपोटिज्म के सहारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट से उनको बाहर कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो गया था और तमाम चीजें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के चली थी, बॉलीवुड को लेकर के चली थी। लोगों ने बॉलीवुड को बायकॉट कर दिया था और सुशांत सिंह राजपूत को उनके स्टैंड में खड़े हुए थे, सपोर्ट में खड़े हुए थे। और जिस तरीके से इसको लेकर के तमाम चीजें सामने आई, ड्रग्स का जो सीन रहा वो भी सामने आया कि बॉलीवुड जो है किस ओर बढ़ रहा है और जो युवा पीढ़ी है किस ओर जा रही है। वहीं अगर हम साउथ की फिल्मों की बात करें तो साउथ में ये चीजें नहीं देखने को मिलती। तमाम अभी लोग जो हैं गुटखा एड को भी लेकर के बॉलीवुड को बायकॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों अक्षय कुमार ही इससे घिरे हुए दिखाई दिए थे। उनका जो वीडियो है 1-2 साल पहले का, वो लोगों ने रिलीज किया था और ये जिसमें अक्षय कुमार ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो इन चीज़ों का सेवन नहीं करते, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते। लेकिन अगले ही पल यानी कि अभी कुछ दिन पहले एक ऐड आया था जिसमें कि उन्हें देखा गया था कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने थे उस तंबाकू ऐड का, और उसका प्रचार करते हुए भी नजर आए थे, जिसके बाद लोगों ने बायकॉट किया और अक्षय कुमार ने तब ये ऐलान किया कि वो जो ऐड है उससे
वो बाहर जा रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें वो दोबारा नहीं करेंगे और उन्होंने बाकायदा लोगों से माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो तमाम ऐसे एक्टर्स हैं जो लगातार फेयरनेस क्रीम का भी ऐड करते हैं और तंबाकू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनका भी ऐड करते हैं, लेकिन साउथ के लोगों की बात करें, साउथ के जो एक्टर्स हैं वो इन चीज़ों से सीधे सीधे खारिज करते हुए नज़र आते हैं कि वो तंबाकू का ऐड नहीं करेंगे, उसके प्रोडक्ट जो होते हैं उसका ऐड नहीं करेंगे। इसी के साथ ही जो एक्ट्रेस होती है साउथ की वो भी सीधे सीधे जो फेयरनेस क्रीम होती है उसका भी ऐड नहीं लेती और सीधे तौर पर मना करती हुई दिखाई देती है। यही फ़र्क है साउथ के लोगों में और जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उन लोगों में। जो साउथ के लोग होते हैं वो अपने धर्म को लेकर के किस तरीके से सजग बने रहते हैं वो चीज़ें भी दिखाई देती है, लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ दिखावा देखने को मिलता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।